रक्त मोक्षणा ट्रीटमेंट और रिलीज थेरेपी गिवन टू द पेशेंट मेनी पेशेंट सफर विद द ओवेरियन सिस्ट दैट मींस द बायलैटरल पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और द सिंड्रोम एंड द वेरियस लार्ज एंड मल्टीपल यूटराइन फाइब्रॉइड्स आर देयर मेनी पेशेंट्स कंप्लेंट अबाउट द हैवी ब्लीडिंग एंड लोअर एब्डोमिनल पेन हमारे यहाँ बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स आते हैं जिनको इंडक्शन में गठानी हो जाती है या फिर उनके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं या फिर उनके गर्भाशय में कुछ मिलीमीटर से लेकर दो सेंटीमीटर तक बहुत सारी गठाने पड़ी रहती हैं जिसके वजह से उनको कभी कभी पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और बीच नहीं बनता है और ऐसे पेशेंट फीमेल इनफर्टिलिटी या फिर मध्यत्व या फिर ऐसे पेशेंट प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर पाते हैं तो ऐसे इसके लिए क्या आपको हर बार आईवीओ को टेस्ट फ्री या आईवीओ करने के लिए एडवाइस किया जाता है और आपको क्या ये करना चाहिए नहीं बिल्कुल आप भी नॉर्मली प्रेगनेंसी कैरी कर सकते हैं ऐसे पेशेंट्स को रक्त मोक्षणा ट्रीटमेंट दिया जाता है एवरी डे 5 सेशंस दिए जाते हैं उसके बाद 1 दिन के बाद और उसके 5 सेशंस देते हैं ऐसे 5 to 10-15 सेशंस देते हैं और पंचकर्मा ट्रीटमेंट उनमें फास्टेस्ट रिकवरी करके आते हैं फर्स्ट या सेकेंड डे से ही पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है इसमें नस्टम शिव द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है और बस्ती स्नेह स्वेदन के बाद दिया जाता है जिसमें मेडिकेटेड काढ़ा ऑयल से एनिमा किया जाता है और जिससे पानी की गठाने गर्भाशय की गठाने कम्प्लीटली निकल जाते हैं और विद इन 1, 2 और 3 मंथ्स ऐसे पेशेंट्स प्रेगनेंसी इजीली कैरी कर लेते हैं।